बाकी अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आपको खटिए बिना सिखा देंगे। इतना कम हो गया, मालूम था मुझे कि कम पड़ेगा। अभी हाफ बंडल और लेकर। गुड मॉर्निंग है सभी दोस्तों को, नमस्कार और वापस स्वागत है नए से ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह भाई साहब चलिए चलते हैं, आज खटिया बीनते हैं। दादाजी लाए हैं खटिया बीनने के लिए और सामान, तो चलिए चलते हैं। और उसका पार्टी लगता है खटिया का, तो चलिए चलते हैं और खटिया बीनते हैं। और आप लोगों को आता है कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा खटिया बीनना। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए आप लोग को खटिया बीनना सिखाते हैं और कैसे बीना जाता है। मेरे को तो काफ़ी समय से आता है खटिया बीनना और गाँव में काफ़ी मैं खटिया बीना भी हूँ। और लगभग गांव में जितने भी लोग खटिया बीना जाता है तो हमको ही बुलाते हैं लोग, तो जाते हैं खटिया बीनने के लिए। तो हमें काफ़ी समय से आता है खटिया बीना, बाकी आप लोग को आता है कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए चलते हैं, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए पूरा, आप लोगों को कन्फर्म बता रहा हूँ कि आज खटिया बीनना सिखा देंगे। तो चलिए फटाफट खाते हैं और फिर चलते हैं बगीचे में लेकर के, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ठंडा है तो वहाँ बीनने में आसानी होगा। चलिए चलते हैं, खाते हैं और चल के आज पूरा खटिया बीनते हैं और आपको सिखाते हैं। ये है खटिया का पार्टी और नीचे निकला हुआ है, अब इसको सही करना होगा। काफ़ी पुराना है ये, पहले से रखा हुआ है, केवल इसका वो जो बीनने वाला होता है रस्सा वही चेंज किया जाता है, बाकी ये काफ़ी समय से रखा गया था और पिछला साल ही बीना गया था तो ये टूट गया था। और देख सकते हैं इसका बीनने के लिए, और ये काफ़ी बढ़िया है, अगर एक बार बीना जाता है तो 2-3 साल चल जाता है आराम से। चलिए इसको सही करते हैं, बाकी अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आपको खटिया बीनना सिखा देंगे। हमें लग रहा है कि कम पड़ेगा ये, पर देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। बाकी टाइम देख लीजिए, टाइम हो रहा है 8:38 और देखते हैं कि कब तक ये कितना देर में बीन के तैयार हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको बांध देना है इसको पहले एक जगह पे, ठीक है। पढ़ने जा रहे हो ना, आंगनबाड़ी में जा रहे हो? हाँ, बांध लेना है और बांधने के बांध लेना है और बांधने के बाद सिंपल क्या करना है, इस साइड लेकर रख लो, सब लोग का साइड लेके आना है नीचे से, नीचे लेकर के आना है और इसको जितना भी टाइट कीजिएगा उतना ही सही रहेगा। जितना टाइट कर सकते हैं टाइट कीजिए इसको, और फिर इसको ऐसे करके नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर से इस तरह। जितना भी इसको टाइट रखेगा उतना सही रहेगा, ढीला नहीं होगा बाद में। तो इसको इधर से खींच लेना है और इसको टाइट कर लेना है, सिंपल इसी तरह करना है, नीचे से लाना है फिर ऊपर ले जाना है ताकि इस तरह गांठ बन जाएगा तो खुलेगा नहीं ये। और बिल्कुल इसको टाइट रखना है, जितना भी टाइट कर सकते हैं आप देख सकते हैं। चलिए इसको फटाफट अब इस साइड को बीन के फिर इस साइड को बनाते हैं। देख सकते हैं इस साइड तो हो गया, अब इधर बेड़िया करना है, सीधा हो गया, अभी सेट करना है। और हमें मालूम था कि कम पड़ेगा, देख सकते हैं ये अभी इतना बचा हुआ है और अभी एक बंडल और लेकर के आना पड़ेगा। बाकी देख गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना देख कितना ज़्यादा आ रहा है। चलिए इस सेट करते हैं जितना भी होता है, बाकी फिर मार्केट से लेकर आना पड़ेगा एक बंडल और। और जैसे कि हम लोग इधर किए थे सेम उसी तरह करना है, बट इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो है ना एक दो ये दिख रहा है, एक छोड़ करके जैसे इसको नीचे अगर नीचे डाल रहे हैं तो यहाँ से ऊपर से निकालना है, फिर यहाँ से नीचे डालना है फिर यहाँ से ऊपर निकालना है, फिर यहाँ से नीचे डालना है फिर यहाँ से ऊपर, एक मतलब एक चेंज कर कर डालना है।
चलिए फटाफट से डालते हैं। चलिए आपको एक बार बीन के दिखा दे रहे हैं, देखिए ये है, इसको नीचे डालना है, ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर उठाना है, तो हो गया, और फिर यहाँ से नीचे डालना है, फिर यहाँ से ऊपर उठाना है, टाइट हो गया, और फिर इसको नीचे से लेकर के आना है। सेम यहाँ भी, अब ये ऊपर जो है उसको नीचे करना है, देखिए फिर जो ऊपर है इसको नीचे करना है, दबाना है, ये कैसे हो रहा है, सेम ऐसे ही करना है, एकदम सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। देखिए जैसे ये ऊपर की तरफ आया था और ये इसी पार्टी में नीचे हो गया है, इसी तरह करना है, ये ऊपर है तो ये नीचे रखना है, सेम इस तरह, ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा तामझाम नहीं है और आसानी से बीन सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा तो। देखिए इतना कम हो गया, मालूम था मुझे कि कम पड़ेगा, अभी हाफ बंडल और लेकर के आना पड़ेगा, देखिए यहाँ बांध दिए हैं, यहाँ कम हो गया है, बाकी एक मस्त टाइट हो गया है, देख सकते हैं, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो दोस्तों जाना था मार्केट में बट बारिश आ गया है, देख सकते हैं, और मार्केट से जाना था आज वाटर पार्क में नहाने के लिए बट अपना घर पे ही आज वाटर पार्क आ गया है, देख सकते हो बारिश तगड़ा हो रहा है और देख सकते हो कैसे नहा रहा है सब बच्चा सब। तो चलिए हम भी चलते हैं, नहाते हैं और पूरा इंजॉय लेते हैं, और ये वाटर केस और आज वाटर टेस्ट हो जाएगा अपने कैमरा का कि काम करते हैं, वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, नहाते हैं और इसका आज वाटर टेस्ट करते हैं। आ गया राहुल, अभी तो कम हो गया है, पता नहीं आवाज जा रहा हो कि नहीं जा रहा होगा वाटर प्रूफ केस में। अभी हम लोग जा रहे थे नहाने के लिए, देख सकते बारिश भी छूट गया। ये देखो सब नहा रहा है सब। अभी इसका वाटर टेस्ट करें, लो जय हो जय हो। कौन जा रहा है? चलो 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 चलो। हाँ कौन को 20 रुपए मारेगा? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो। हाँ भैया जी जो नहा रहा है अब हम भी नहाने जा रहे हैं, देखिए क्या बोल देख सकते हैं आप लोग, बारिश भी नहा करा है और यहाँ पर छत से जो है पानी गिर रहा है, देखिए यहाँ से सीधा आ रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, देखिए और देखिए नहाने का भी वीडियो दिखा दे रहा है। फाइनली दोस्तों नहा लिए और काफ़ी मज़ा आया नहाने में, काफ़ी दिनों बाद आज बारिश में नहाने को मिला है और अभी भाई हल्का हल्का हो रहा है और ठंडा लगने लगी थी, हम लोग सोचे चलो भाई घर पे और अभी फटाफट नहा लिए, देख सकते हो ठंडा लगने लगा है अब, बाकी आज तो खटिया बिना नहीं पाया क्योंकि बारिश होने लगा तो मार्केट नहीं जा सकते हैं, बट देखते हैं कि हो सकता है कि कल जाएंगे मार्केट और कल लाएंगे
तो पूरा अपना खटिया बिना जाएगा। बाकी सच बता रहा हूँ यार, बारिश में नहाने का मजा ही अलग है, एकदम बचपना याद आने लगता है भाई। बहुत सारे बच्चा नहा रहा था, कभी मजा आया नहाने में। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देख सकते हैं बारिश हो रहा है, अभी छूटा नहीं है।